नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पूछता है झारखंड। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट कराने के मामले में एक बार फिर से गर्माहट तेज होती नजर आ रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल करने की बात कही गई है और विभाग की तरफ से ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग के गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर वर्तमान जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 3 महीने के अंदर इस आयोग की तरफ से अनुशंसा की जा सकती है, जिसके बाद चुनाव कराया जा सकेगा। पिछले नवंबर महीने में सरकार की तरफ से बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला किया गया था, लेकिन आदिवासी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया और चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। झारखंड में नई सरकार के चुनाव, लगता है हेमंत सोरेन की गले की फांस बनता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने की जिद पर अड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कई नगर निगमों नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होता जा रहा है, जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की पहल शुरू हो चुकी है। नगर विकास विभाग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है, जिस पर अब जल्द ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड और मौजूदा जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग के गठन होने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि जानकारी के मुताबिक इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ऐसे में राज्य में सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में एक साथ पूरे राज्य के लिए नगर निकायों का चुनाव सरकार ने बगैर ओबीसी आरक्षण का कराने का फैसला लिया था। इसके बाद आरक्षण का रोस्टर बदला गया था, जिसमें रांची नगर निगम के मेयर पद पर एससी के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन जैसे ही मामला लोगों के संज्ञान में आया, लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदिवासी संगठन इसके खिलाफ विरोध में उतर आए। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी इस फैसले का विरोध किया था। इसके बाद ये मुद्दा हाईकोर्ट भी पहुंच गया, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला दिया कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के ये आरक्षण मंजूर नहीं है। इसके बाद मामले में आनंद फानंद में टीएसी की बैठक बुलाई गई और इस फैसले को रद्द किया गया। और अब फिर से मामला गर्मा क्या है, इस बार सरकार ने तय किया कि वो ट्रिपल टेस्ट करवाकर आरक्षण देगी। हालांकि सीएम ने ट्रिपल टेस्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें अभी अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। दूसरी ओर 3 साल पहले ही राज्य के 14 निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसमें धनबाद, चास और देवघर नगर निगम, विश्रामपुर, झुमरी तलैया, गोमिया और चक्रधरपुर के नगर परिषद और कोडरमा बड़की सरिया, धनबाद हरहरगंज, बशरा और महगामा नगर पंचायत का कार्यकाल 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है और रांची नगर निगम का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराती है या ट्रिपल टेस्ट कराने का इंतजार करती है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो कब बनेगी शहर सरकार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की बात कह रही है। उधर दूसरी तरफ कई नगर निगमों और नगर निकायों का कार्यकाल जो है अब समाप्त हो गया, कुछ का समाप्ति की ओर है। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी का, और सुशांत मुखर्जी जल्दी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनका ऑडियो अभी पेश नहीं हुआ है, ऑडियो भी पेश होगा। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, शुरुआत आप ही के साथ। सर, निकाय चुनाव में इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि कई निकायों का नगर निगमों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है, कुछ का खत्म होने वाला है इस महीने में, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नहीं होगा तो समय तो बीतता है ना, अनुसार समय बीतेगा और कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है, ये प्रक्रिया है। हाँ। तो अब सरकार के सामने जो परिस्थिति खड़ी है, ट्रिपल टेस्ट कराए बिना चुनाव संभव नहीं दिखता है, और कानून और जो संविधान सम्मत कार्रवाई है सरकार उस पर विचार कर रही है, और क्योंकि ये बड़ा मसला है, पूरे राज्य की बात है। हम कुछ कह दें आपके मीडिया चैनल में और वही हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ। तो होगा वही जो नियम सम्मत होगा, जो विधान। लेकिन ट्रिपल टेस्ट की जो कवायद आप कर रहे हैं, उस कवायद को पहले कर लिए होते तो शायद इतना वक्त नहीं लगता। पहले कर लिए होते, कोरोना आने से पहले कोरोना का इंतजाम कर लिए होते, हॉस्पिटल बनवा लिए होते, जितना बना था। अब ये कहना कि ऐसी स्थिति पैदा होती तो आप ऐसा कर लिए होते,
ये सर संभव नहीं है। तो शादीप कह रहे हैं कि ऐसी बात थोड़ी ना सर है ना पैर है, चुनाव की घोषणा होने वाली थी। हाँ, ये मामला आया बीच में, तो सरकार ने इसको रोका। अब ट्रिपल टेस्ट हो जाने दीजिए, चुनाव हो ठीक है। प्रतोष यादव, लक्ष्मी नारायण तिवारी दलील दे रहे हैं कि कोरोना आने से पहले अस्पताल का इंतजाम कर लिए होते, वैक्सीन डेवलप कर लिए होते, डॉक्टर्स मंगा लिए होते, ऑक्सीजन मंगा लिए होते। प्रतोष यादव, देखिए शिवम जी, हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने बैठे हैं, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हाँ। और थोड़ा वक्त आप मुझे दें ताकि मैं इसको समझा। पूरा वक्त है सर। कि ये सरकार ओबीसी विरोधी सरकार कैसे है। हाँ। देखिए, जब आज से 2-3 वर्ष पहले जो चास नगर निगम का आपने दिखाया, बिल्कुल सही दिखाया, और उसी तरीके से धनबाद, देवगढ़, गिरिडीह, तमाम नगर निगम के जो पद थे मेयर के, वो खाली हो गए। इस सरकार ने उस ओर पहल नहीं की। अब 2 वर्ष पहले जब राज्य सरकार पंचायत चुनाव करा रही थी बिना ओबीसी आरक्षण के, तो हमारे गठबंधन दल के एक सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहां उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल किया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप जो नगर निकाय चुनाव है या जो आप थर्ड लेयर की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो आप नहीं करा सकते हैं। उस समय पंचायत चुनाव की क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई थी और सर्वोच्च न्यायालय का एक दूसरा निर्णय है कि एक बार जिस चुनाव की आप नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है तो उस पर रोक वो नहीं लगाता है। लेकिन उस समय भी राज्य सरकार को बहुत फटकार लगी थी, मैं ये 1.5-2 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। उस समय झारखंड के चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया था, एफिडेविट देकर कहा था कि जो अगला नगर निकाय का चुनाव होगा वो हम ट्रिपल टेस्ट कराकर ही करेंगे ओबीसी आरक्षण देकर। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, रांची नगर निगम का चुनाव था और काफी सारे नगर निकायों के चुनाव थे, इन्होंने फिर से अपने ओबीसी विरोधी चेहरे को दिखाया और फिर से बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए ये चुनाव को घोषणा कर दी। अब हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थे जो गिरिडीह के, वो अपने उसी पंचायत चुनाव वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आप अगला निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, उसका वो कंटेंट पिटीशन में चले गए, चीफ सेक्रेटरी पे कंटेंट इश्यू किया सुप्रीम कोर्ट ने। तब चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया कि हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाए। तो ये इनका ओबीसी विरोध का चेहरा दिखाता है। देखिए, 3.5 साल इस सरकार को हो गए और ये जो कोरोना का रट लगाते हैं, तो इसी कोरोना के लहर में मुख्यमंत्री जी को अपनी ये जो गाड़ी थी उनकी आ गई, 3 तरह की गाड़ी आ गई। तो ये कोरोना का लहर वस्तुतः कोई चीज है नहीं। और मैं आपको नहीं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भाई, अगर ओबीसी आरक्षण आपको लागू करना है तो आपको ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, और ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया है सरकार ने, तो फिर विपक्ष को तकलीफ क्या है? नहीं, आयोग का गठन अभी कहां हुआ? देखिए, ये यहाँ पे कुछ मेजर पावर का इशू हो गया, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं सुन पा रहा था। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी परेशानियां हो गई, अचानक पावर कट, ये खाली अभी इनकी सरकार में कोई नहीं, इस तरीके से पावर कट होता है, ये पूर्ति कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, तो मैं आपको वही बता रहा था कि ये सरकार को ट्रिपल टेस्ट करा के ही किसी भी तरीके की घोषणा करनी। हाँ, ठीक है, आवाज शायद नहीं आ रही प्रतुल शादेव के, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रतुल जी, आवाज आ रही है? प्रतुल जी, आवाज आ रही है मेरी? कोई तकनीकी खराबी, सर इसे दुरुस्त कर लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब? जी सर, हम ये कहना चाह रहे थे, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी आवाज प्रतुल शादेव तक जाती। इन्होंने 2-3 बात उठाई है। हाँ, शब्दों के घाल मेल से ये चाहते हैं कि मामले को लटकाएं, झटकाएं, भटकाएं। हम ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिन पहले, सर आपको ध्यान में होगा कि जब आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा आया था, तब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है। अब ये कह रहे हैं कि ये बैकवर्ड विरोधी है। अब और ये पहले से कहते हैं कि ये सामान्य जाति का विरोधी है। तो सर, सामान्य जाति का विरोधी हम है, अब आदिवासी विरोधी हम है, अब ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड के भी विरोधी हैं। इनका मूल मंत्र है, इनके अतिरिक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इन मुद्दों का जवाब नहीं देंगे।
ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार और ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का समर्थन है, यही ये कहना चाहते हैं। अरे इनको जुमला बोलने की आदत है, इनको जो बुझाएगा लाल बाल बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दे दिया है सर, तो बिना ट्रिपल टेस्ट कराए और उसके लिए हाईकोर्ट के, लेकिन सर एक साल से तो कोरोना नहीं है ना, पिछले एक सवा साल से कोरोना की लहर आई नहीं है, वो हो जाएगा जब ट्रिपल नहीं। आप जो कोरोना का हवाला दे रहे हैं लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, पिछले एक साल से कोरोना नहीं है ना सर? नहीं कोरोना नहीं है, नहीं है। तो ट्रिपल टेस्ट अब तक करा लिए होते? ट्रिपल टेस्ट देखिए, इनका कहना है कि ये बैकवर्ड विरोधी है, तो हम बैकवर्ड विरोधी, आदिवासी विरोधी, सामान्य जाति विरोधी, ये सब इनके समर्थक है। ये प्रतुल सहदेव ये समर्थक है, बीजेपी इनकी समर्थक पार्टी है, हम सबका। तो फिर हम राजनीति किस जमीन पर कर रहे हैं, जब आदिवासी का विरोध, मुस्लिम ये बैकवर्ड का विरोध और सामान्य जाति का विरोध, तो बस ठीक है। प्रतुल सहदेव, प्रतुल सहदेव सिर्फ 10 सेकंड। हाँ जी, मैंने मैंने किसी को टोका नहीं, अच्छे से डिबेट चला, मुझे सिर्फ 20 सेकंड है, उसके बाद सुशांत। पूरा एक मिनट है सर आपके पास, पूरा एक मिनट है। देखिए अभी मैं सुन रहा था, तिवारी जी को यही नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी सरकार ने पंचायत चुनाव जो 2 वर्ष पूर्व हुआ था उसमें एफिडेविट करके कहा था कि अगला निकाय चुनाव हम ट्रिपल टेस्ट करा के कराएंगे, और अगला निकाय चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी बिना ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, यानी बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी के हो गया आरक्षण के, और अब ये नगर निकाय चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के बिना करने जा रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया चीफ सेक्रेटरी को कि आप बैकवर्ड को आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट के बिना ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये जाकर पूरी प्रक्रिया में रोक लगा। अब शिवम ने निकाय चुनाव तो बिना ओबीसी आरक्षण के सर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा था, आप ही की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सरकार कोर्ट ने आदेश दिया, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला बनाया गया है वहां। मुझे खत्म करने देना, हाँ। मैं बस सिर्फ एक प्रश्न, हाँ। के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, हाँ। और मुझे जरूरत नहीं कि आप दोबारा भी बुलाएं, लेकिन ये एक प्रश्न बड़ा जरूरी है। हाँ। तिवारी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि कम से कम हिम्मत दिखाते हैं चैनल में आने का। इन्होंने भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए और ट्रिपल टेस्ट होकर ही हम कराएंगे। तिवारी जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये ट्रिपल टेस्ट होता क्या है, तीन तीन चीजों की टेस्ट होती है, क्या ये आपको पता है? आप सरकार के बड़े नेता हैं सत्ताधारी गठबंधन के, आप ट्रिपल टेस्ट क्या होता बता दीजिए। मैं कह दूंगा कि आप सब आप एकदम सर्वज्ञानी हैं, आपकी सरकार सब करेगी। आप उलझाइए मत, ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? नहीं नहीं, आपने ओबीसी के हित की बात की, ट्रिपल टेस्ट क्या होता है तिवारी जी बता दीजिए। अरे छोड़िए ना, हमको नहीं बुझाता है, हम सुप्रीम कोर्ट के राम जेठ मलानी नहीं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ट्रिपल टेस्ट कर रही थी, वकालत कर रहे थे और इनको पता नहीं थे ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार क्यों कर रही थी, उत्तर दीजिए। पूरे सरकार को पता ही नहीं सरकार में क्या होता है, ट्रिपल टेस्ट करवाए थे, ट्रिपल टेस्ट है क्या यही नहीं पता। अरे छोड़िए ना, फालतू बात कर रहे हैं, ये सरकार का रिपोर्ट क्या है कि सत्ता गठबंधन के एक प्रमुख कोर्ट के जज पता ही नहीं कि बैकवर्ड के रिपोर्ट है। आप हाई कोर्ट के जज हैं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार माफ करा रही थी कि नहीं? शिवम मैं सामान्य ज्ञान चेक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि सत्ता में बैठे लोगों की समर्थक के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। आपको रिपोर्ट चाहिए राम के नाम पर, अभी 1 जनवरी नहीं है, लगातार घोषणा हो रही, आप 1 जनवरी प्रधान मंदिर का उद्घाटन कर सकती हो, आपको किसी जाति का मतलब नहीं है, आपको पुरुष से मतलब है। नाटक बंद करिए, ये नाटक है, ये सब नाटक कर रहे हैं आप लोग, हमारा झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ट्रिपल टेस्ट में आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है या नहीं है? और उत्तर प्रदेश की सरकार इनको आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई जवाब नहीं, उत्तर किसकी सरकार चल रही है वहाँ? कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बताइए
मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था। वो कह रहे हैं ना, उन्होंने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के राम जेठमलानी नहीं है, उन्होंने दलील दे दी, ठीक है। लेकिन हमारे साथ सुशांत मुखर्जी साहब हैं, मासस नेता सुशांत मुखर्जी जी। जब पंचायत चुनाव हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देके कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के साथ सरकार चुनाव कराए, लेकिन बावजूद उसके सरकार हिदायत नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके सर मायने क्या है सुशांत मुखर्जी, क्या संदेश जाएगा? इनको सिर्फ वोट चाहिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? एक एक करके सबको बात रखने दीजिए। ये सरकार नहीं कर पाई, निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है जो मानना है, अब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अब हर जगह नजर बनाए हुए हैं, हर स्टेट में कोई भी शब्दों का भी अगर गलत हो जाए उस पर भी सजा हो जा रही, मैंने उस पर भी आपको कार्रवाई हो जा रही, मंत्रियों पर एफआईआर हो जा रही है, अभी कर्नाटक में हुई है। हमें लगता है इस सरकार ने काम नहीं कर पाई है, सरकार जो चल रही है ये सरकार काम नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाई, कोरोना कोरोना करके बिता दिए। हम उस सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत ताकत रखते हैं कि यह सरकार काम नहीं कर पाई, और निश्चित तौर पर वो 24 में इसकी जवाब देगी। आपको बता दें कि 30 जून यही साल 30 जून को बड़ा बम फूटने वाले हैं, आपको बता दें तो संथाल में बड़े बम फूटेंगे जिस पर इस सरकार को हिलने मजबूर हो जाएंगे। अब ये होने के है क्योंकि जरूरी है, जनता चाह रही है कि वो सरकार काम नहीं कर पाई, ये सरकार भी काम नहीं कर पाई, तब नई सरकार की जरूरत है। कौन अच्छी काम करेगी ये एक साल के अंदर चुन लेंगे, कौन क्या किए हुए, हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ये पांचवी अनुसूची में आती है, फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र, यहां कौन नगर निगम के चुनाव, इसका विरोध करना चाहिए दोनों पार्टियों को, इसके चुनाव को आगे नहीं बढ़ने देने चाहिए। लेकिन जो मान लिए, जो आगे हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट की जो मान है उसको सरकार को देखने की जरूरत है कि आगे अनाउंस कर देते हर चीज, स्थानीयता नहीं है 32 लगा दो, आगे 32 को हाईकोर्ट ने रोक दिया फिर दे दो, मतलब क्या 10 दिन के लिए, जो हमने देखा था राज्यपाल के पास महामहिम के पास जो एक लिफाफा थे, जो लिफाफा थे नहीं, उस लिफाफा के चलते जो 23वें लास्ट में आने वाले थे वो 22वें आ गए, सब बोल दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये देखने की बात है, ये भी एक पॉलिटिक्स है, राजनीति में कमजोर पड़ते जा रहे हैं ये सरकार, निश्चित तौर पर आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन ये बता दें कि 24 में बदलाव होगी, लेकिन कौन आएगी अभी सही नहीं है, लेकिन बदलाव होगी, लेकिन संथाल से ही बदलाव होगी, संथाल के सीटों पर बदलाव होगी, जो 30 जून को आपके चैनल के माध्यम से आज बता दे कि 30 जून को एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है संथाल में, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, उसके पैरेलल में एक प्रोग्राम होगी। राकेश जी पर... राकेश क्या होने वाला है 30 जून को? राकेश जी बात की जाए तो राजनीतिक उठापटक के बीच आपने तमाम चीजों को देखा होगा, और जिस तरीके से सरकार को लेकर के उहापोह की स्थिति पहले भी देखने को मिली थी, तो सरकार के अंदर खाने में ही सारी चीजें ठीक नहीं चल रही थी, जिसका हो सकता है कि 30 तारीख तक कुछ नए चीजें सामने आएंगी, जो कि पहले भी इसकी सुगुगाट हुई थी। और मुझे जो जानकारी है कि जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उसमें बगावत के बू आने लगे हैं, बगावत के सुर भी देखने को मिले हैं, और हो सकता है कि अभी खास करके मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जिस तरीके से लोविन हेमब्रम जो जेएमएम के बड़े नेता माना जाते हैं, उनकी तरफ से जो शुरुआत की गई थी स्थानीय नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के और झारखंड के अहम मुद्दों को लेकर के, तो उसकी उनकी एक बड़ी पहल दिखाई पड़ सकती है। हो सकता है कि हेमलाल मुर्मू जो बीजेपी में फिलहाल शामिल है वह फिर से जेएमएम चले जाएंगे, तो जेएमएम जाने के बाद से लोविन मुर्मू का क्या होगा, ये सारे समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल है, विरोधी दल है, सभी को तमाम चीजों पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन तीसरे बात कही जा सकती है कि इन दोनों के बीच एक तीसरी कड़ी कही जा सकती है, जो अब हो सकता है सामने आती दिखाई पड़ेगी, जैसा कि सुशांतो जी ने कहा है। लेकिन सवाल अभी भी कई बचे हुए हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रतुल साधे ने कई बारीकियों से जिक्र जो किया कि ट्रिपल टेस्ट की बात आती है, ओबीसी रोज को लेकर के जो आरक्षण की बात आती है, इन सारे गंभीर मसलों पे जरूर बातचीत की जानी चाहिए। सुशांतो मुखर्जी ने पांचवी अनुसूची की बात कही है, तो क्या पांचवी अनुसूची की चर्चा किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें नगर निकाय की भूमिका किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि ग्राम सभा यहाँ पे सर्वोपरि मानी जाती है, तो तमाम बिंदुओं पे अभी बातचीत करनी होगी। मुझे लगता है कि सभी लोग जो बैठे हुए हैं पैनल पे राज्य के बारे में गंभीरता से समझते हैं, जानते हैं, तो अभी फिलहाल सब कुछ कहना ठीक नहीं होगा,
लेकिन जो संविधान में जो कानून में जो प्रावधान है सरकार चलाने के लिए जो पॉलिसियां होनी चाहिए और जनता के हित में जो बड़ी चीजें होनी चाहिए उस पर जरूर अमल करने की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन राकेश, ये ट्रिपल टेस्ट नहीं करवा पाई सरकार के लिए कि हम कोरोना के चलते नहीं करवा पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव में एफिडेविट देकर सरकार से कह चुका था, उन्होंने भी कहा था, और ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि पिछला बार के विरोधी है सरकार। देखिए, ये बहुत समझने की बात है, झारखंड को समझना बहुत कठिन माना जाता है, बाकी राज्यों से कई चीजें यहाँ पे अलग है। जिस तरीके से खास करके प्रतुल जी ने जब मैंने जिक्र किया, हालांकि प्रतुल जी इसको ज्यादा ठीक है अच्छे से समझा पाए। अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया राकेश, आपका शुक्रिया सुशांतो जी, आपका शुक्रिया प्रतुल शादे, वो लक्ष्मी नारायण तिवारी से आप थे हमारे साथ। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।